मतलब अगर तुम्हारे दामाद निकम्मे और बेकार निकले क्या करोगी फिर तुम? मैं तो ऐसी लात मारूंगी ना, पता चल जाएगा। मैं तो डायरेक्ट गोली मारूंगी। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहां से आया है? वो छोड़ो, ये बताओ ये कोई अच्छा तरीका नहीं है? इतनी रात गए तुम मुझे फोन कर रही हो, मैं एक शरीफ लड़का हूँ। अरे भाई वाह, कैसी ठंडी हवा आ रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जाना किस तरफ है, घर की तरफ आपका? बस यूं सीधा चलो आगे से, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे ना तो मेरा घर आ जाएगा। देखो तुम जैसे शरीफ और नेक लड़के ना मार्केट में जरा कम है, तुमने झगड़ा भी निपटा दिया और अब मुझे छोड़ने घर भी जा रहे। जी बिल्कुल, मैं आया तो झगड़ा खत्म करवाने था, लिफ्ट तो जबरदस्ती ले लिया आपने। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम बिल्कुल मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना उसकी उम्र के हो। अच्छा कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, छोटे वाला जो है ना वो दुबई में है, बाकी 2 यही हैं। आई उन्हीं कमबख्तों के लिए तो लड़की देखने निकली थी। अच्छा अच्छा, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? मेरे बाबा का बिजनेस है। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई लग रहा है तुम किसी अच्छे खाते पीते घर आने के हो। अब तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है? जी नहीं। अरे मैं तो हर बच्ची के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ उनके नसीब अच्छे करे, अच्छे घरों में ब्याह के जाएं, अच्छे लोगों के पास। आमीन। मेरे बेटे इंतहाई नेक शरीफ और बहुत ही पाकबाज हैं। भाई मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी ब्याह के आएगी ना मेरे घर, भाई मेरी बहू तो शहजादियों की तरह रहेगी, राज करेगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा रास्ता बताइए। ये आगे काला गेट है ना उल्टे हाथ पे, वो सामने। हाँ बस वही रोक दो। ये बात भाई कितना अच्छा लगा तुम्हारी गाड़ी में आके। लेकिन बात सुनो, ये जो तुम्हारा एसी है ना इसको जरा ठीक करा लो, ठंडी हवा नहीं दे रही। जी बिल्कुल मैं ठीक करवा देता हूँ। चले मैं चलता हूँ फिर, खुदा हाफिज़। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे खुदा हाफिज़, भाई चाय पिए बगैर थोड़ी तो मैं जाने दूंगी। चलो आओ। नहीं नहीं आंटी कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं मुझे यूनिवर्सिटी जाने दे। अरे यूनिवर्सिटी होती रहेगी, आओ चाय पिए बगैर तो जाओगे नहीं तो। चलो आओ। अरे आंटी मेरा हाथ तो छोड़ दे। अरे हाथ कैसे छोड़ूं, तुम तो भाग जाओगे। चलो उतरो शाबाश। आओ चल मैं आता हूं जल्दी से बंद करके आ रहा हूं। आ जाओ आ जाओ आओ आओ, अरे अपना ही घर समझो। आओ आओ मेरा बेटा, आ जाओ बैठो बैठो यहाँ बैठो, कोई तकल्लुफ नहीं। आप कहाँ मर गए? अशफाक मुश्ताक आ जाओ बेटा, देखो कौन आया है। जी अम्मी जान। देखो सलाम करो बेटा। मैं कर लेते हैं अम्मी जान, आप तो लड़की देखने गई थी, ये लड़का कहाँ से उठा के ले आई? बकवास बंद कर, ये तुम बैठो मैं बताती हूँ तुम्हें सारा किस्सा। सलाम करो भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खादिम को शफाक बोलते हैं। अम्मी जान आप इनके घर रिश्ता देखने गई थी? अरे नहीं नहीं ये तो मुझे रस्ते में मिला है। बात कुछ अम्मी जान समझ में नहीं आ रही मेरे। ओहो ये बात मैं तुझे बाद में समझाऊंगी, जा जाके चाय लेके आ इसके लिए, जा ना। चाय के लिए मुश्ताक है ना अम्मा? मुश्ताक कहाँ है? किचन में बर्तन धो रहा है, अभी बुलाता हूँ उसे मैं। मुश्ताक मुश्ताक। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है ये? अरे ये लड़का है और कौन है, जाओ जल्दी से एक प्याली चाय फटाफट अच्छी सी बना के लाओ इसके लिए। जी अम्मी जी। अच्छा क्या बन रहा है खाने में आज? अम्मी जी मेरी बारी कल थी खाना बनाने की, आज भाई की बारी, इन्हीं से पूछे। मैं जरा चाय लेके आया। अम्मी आज मेरी बारी है, आलू गोश्त बना रहा हूँ, प्याज काट रहा था किचन में, अब आ गई। अच्छा चल जा तू जल्दी से प्याज काट ले, चल मेरा बच्चा शाबाश। जा जा। हाँ, वैसे माशाल्लाह आपके बेटों को सारे काम करने आते हैं। हाँ भाई अल्लाह का बड़ा करम है, बेटी की तो मुझे बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती। अच्छा प्लीज मुझे फिर इजाजत दे, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलता हूँ भाई, चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी। लो कोई बात हुई भला, इतनी दूर मुझे छोड़ने आए हो, प्याली चाय तो पी के जाओ। वो आंटी मुझे चाय पीने का शौक नहीं है और यूनिवर्सिटी से भी लेट हो रहा हूँ ना तो। अरे चाय पीने का शौक नहीं है ऐसा ना करो बेटा, देखो चाय जरूर पिया करो,
चाय पीने से ना दिमाग खुलता है और फिर पढ़ने से पहले तो 2-3 प्याली पीनी चाहिए, ऐसा तेज दिमाग चलता है। वाह वाह वाह। अच्छा चलें, अगर आप इतना इंसिस्ट करती हैं तो पी लेते हैं। हाँ पियो पियो। अरे काम मर गए, लेके आओ चाय। ला रहे ला रहे, प्याज काट रहा था ना, हाथ वाथ धो गया, चाय बनाई। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो खालिद सिद्दीकी आपको कॉल करके क्या कहते? सर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या कहते हैं? उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए क्या ये काफी नहीं है कि वो रात के 2:30 बजे मेरी मर्जी के बिना मुझे कॉल्स करता है? आप फिक्र नहीं करें, एक्शन तो हम उसके खिलाफ जरूर लेंगे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बिला वजह तंग नहीं कर सकता। थैंक यू सर। यूनिवर्सिटी में भी पीछे पीछे आता है सर, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है। मैंने बहुत इग्नोर किया लेकिन अब लगता है ज्यादा हो गया। जावेद, एक स्टूडेंट की तस्वीर और आईडी मैं भेज रहा हूँ, गार्ड को बोलना जैसे ही वो आए उसको क्लास में नहीं बैठने देना, सीधा मेरे ऑफिस भेजो। थैंक यू सर, मैं अब चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम है। अब मजा आए। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। इनको बस यही एक काम अच्छा आता है, यही। भाई जान आप शायद भूल रहे हैं, जुबान मेरे मुंह में भी कैंची की तरह चलती है, अम्मी के सगा बेटा मैं भी हूँ। अम्मी जान बड़े छोड़ी की तमीज नहीं है इसे? तो आपके मुंह से बड़े भूल जड़ते हैं। ए, फिर लड़ना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, चुप हो जाओ। बड़े प्यारे बच्चे हैं मेरे, बस कभी कभार ना बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देते। जान ये आपको मिला कहाँ से और लड़की वालों ने क्या जवाब दिया? सड़क पे मिला मुझे, लड़की वाले तो बहुत बकवास थे, बेकार लोग, फूड़ खानदान। माँ और बेटी मेरे सामने भी सर फाड़ मुंह झाड़ लेके आ गई। अरे कोई इस तरह उठ के आता है सुबह को मेहमानों के सामने? मुँह हाथ धोते हैं, कोई लिपस्टिक लगाते हैं, कोई कपड़े बदलते हैं, कंघा करते हैं, बस आ गई मुँह उठा के। तो अम्मी जान आप ही तो सुबह सुबह उठ के चली गई ना उनके घर। अब सुबह सुबह अम्मी जान कौन बनाव सिंगार करता है? अरे वही टाइम होता है, वही टाइम होता है देखने का सुबह सुबह। बाद में दोपहर तक तो मासियां भी आ जाती हैं, सफाइयां भी हो जाती है, तो नहा भी लेती हैं, तो कपड़े भी बदल लेती है, तो लेपा पोते भी हो जाती है। यही वक्त होता है छापा मारने का, देखते नहीं हो पुलिस वाले कैसे मुलजिमों को सुबह सुबह पकड़ते हैं छापा मार के। मतलब आपको लड़की पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, बकवास हमेशा की तरह। चुप जा वरना जबान खींच लूंगी। रखो उधर छुरी। पता तो चले से ये है कौन? ये, अरे ये बड़ा अच्छा बच्चा है। तुझे बताऊं, सड़क पे मेरा हो गया झगड़ा एक औरत के साथ। मैंने रिक्शा रोका था, वो फुदक के उसमें बैठ गई। फिर तू तो मुझे जानता है और मेरी जबान भी जानता है। मैंने भी उसके बालों से पकड़ के खींच के उसे नीचे उतारा। आए पब्लिक जमा हो गई, उसमें ये बच्चा फरिश्ता बन के आया। इसने लड़ाई वड़ाई खत्म कराई, उस औरत को रिक्शे में भेज दिया और मुझे गाड़ी में बिठा के यहाँ तक ले आया। और इसकी बहनें भी हैं, हाँ, और उनकी शादी भी नहीं हुई है। कैसे उसे? नहीं नहीं आंटी, मेरी कोई बहन नहीं है। बहने नहीं? गाड़ी में तो तुम कह रहे थे कि मेरी बहने हैं। आंटी आपने पूछा ही नहीं कि मेरी बहन है कि नहीं, आपने तो डायरेक्ट ये पूछा कि मेरी बहन की शादी हुई है कि नहीं, तो वो तो नहीं हुई। आए तो बहन है नहीं तो शादी कहाँ से हो गई है? बेवकूफ बना रहे, मुझे झूठ बोला था मुझसे? अरे नहीं नहीं आंटी, मैंने झूठ थोड़ी बोला है। मेरी बहन होगी तो उसकी शादी होगी ना, मैंने तो सच ही बोला। भाई तेरे यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है, चाय ले इससे, चाय ले तू पी ले। चल तुझे वैसे ही नहीं मिली थी, खड़ा हो भाई, जा जा इसको गेट तक छोड़ के। हाँ मैं पहचानता हूँ, लगा लेगा। जी जी जा भाई जा, खुदा हाफिज। जा जा शाबाश, तेज तेज लेके जा, तेज तेज लेके जा। कार्डिक है? हेलो हेलो, कैसी हो? ऐसे मत देखा करो, नजर लग जाती है मुझे। मैं ये सोच रही हूँ कि गीदड़ की जब मौत आती है खुद ही शहर की तरफ आ जाता है। अच्छा तुम्हें कैसे पता?
मुझे कैसे पता? थोड़ा सबर करो, तुम्हें भी पता चल जाए। क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हरी साहब, आपको ऑफिस में बुलाया है। मुझे? जी। सर मैं आगा में? यस। सर वो आपने बुलाया? जी, आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। सर मेरे खिलाफ? कैसी कंप्लेन? आपके खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेन आई है। सर हरासमेंट की? सर भला मैं किसी को क्यों हरास करूंगा? भैया नवाब ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है, आप उन्हें लेट नाइट कॉल करते हैं, आप बताएं ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ओ, अच्छा। सर सर प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। मैंने जो पूछा उसका जवाब दें। सर वो बस एक बार मैंने उसे कॉल की है और वो भी। आप अपना कागजात जमा करवा दें, आपको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए, एक हफ्ते बाद अपने पेरेंट्स को लेके आइएगा। दीजिए। सर प्लीज सर मुझे एक बार अपनी सफाई में कुछ कहने तो दें। अब आप खयाल से माफी मांगे, वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेती है तो ठीक है। ठीक है सर, मैं हया से बात करता हूँ। सर सर आई विल बी राइट बैक। सर प्लीज सर। सर मैं आया। अब हया यार मेरी बात सुनो। देखो मुझे तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है तुम्हें नोटिस मिल गया। हाँ नोटिस मिल गया, लेकिन अगर तुम अपनी शिकायत वापस ले लो तो मेरे साथ रियायत हो जाएगी। जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ रहा है। तुम्हें तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कॉल करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि सुबह आओगे तो तुम्हें सरप्राइज मिलेगा? ये सरप्राइज नहीं, ये तो शौक है यार। तुम तो बहुत ही खतरनाक लड़की हो। ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अच्छा प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। देखो मेरे घर में ऑलरेडी बहुत टेंशन्स चल रही हैं। याद है तुमने मुझे जेल भिजवाया था। वो मामला अभी तक मेरे घर में ठंडा नहीं हुआ। प्लीज देखो अगर ये शिकायत चली जाएगी तो मसला और बढ़ जाएगा। यार तुम्हारे में कोई शर्म है या नहीं? अगर तुम्हारे घर में इतने मसले होते तो तुम मेरे पीछे आते ही क्यों हो? देखो मैं कसम खाता हूँ कि मैं रोजाना यही सोचकर आता हूँ कि आज मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, लेकिन पता नहीं जब तुम मेरे सामने आती हो तो मैं अपने से किया वादा भूल जाता हूँ, तुम्हारे पीछे आ जाता हूँ। तो इसका मतलब तुम्हें इलाज की भी जरूरत। तो ठीक है भुगतो। मेरी बात तो सुनो। मेरे पीछे मत आना। अरे ये तो फिर धमकी देके चली गई। नहीं अगर मैं इसके पीछे ना गया ना तो मैं यूनिवर्सिटी से सस्पेंड हो जाऊंगा। यार अरे सही से दबा। ये जो तू मेरे पैर दबा रहा है ना, ये तू कोई सवाब का काम नहीं कर रहा। अच्छा क्यों मीजान? देख सारा दिन मैं तुम लोगों के रिश्ते के लिए लड़कियां ढूंढती फिरती हूँ, थक जाती हूँ, और ये जो तू पैर दबा रहा है ये तेरा फर्ज है। इस महीने की छठी लड़की है जिसे आपने रिजेक्ट किया। तो क्या करूं, घर देखा है उनका ऐसा कबाड़ खाना, ऐसी कोई बदसलीका बहू लेके आऊं यहां इस घर में? तो सलीका तो उसे यहां भी सिखाया जा सकता है मीजान। क्यों, मैंने कोई ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है? मीजान मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप इसी तरह छोटी छोटी बातों पर लड़कियां रिजेक्ट करते रहेंगी फिर तो हो चुकी हमारी शादियां। तुम लोग कुछ ज्यादा बकवास नहीं करने लगे हो मेरे आगे? अभी तेरा वो भाई भी मेरे सामने बहुत बकवास कर रहा। माफी चाहता हूँ अमीजान। माँ के आगे जबान चलाने वाले ना जहन्नम वासिल होंगे, याद रखना। अब मेरा क्या है भाई, मैं तो चाहती हूँ कि अच्छे खानदान में तुम लोगों की शादियां, ताकि तुम लोगों की जिंदगियां अच्छी, वरना मुझे क्या है,
किसी उलझलुल खानदान में तुम लोगों का रिश्ता करा दूंगी, फिर भुगतते रहना। अरे मैं तो उस अमीर लड़के को भी इसी चक्कर में लेके आई थी कि काश उसकी बहनें होती तुम लोगों की, वहां शादियां हो जाती तो नसीब खुल जाते, जिंदगी बन जाती। लेकिन क्या करें भाई, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे माँ को ताने दे दे के मारेंगे कम्बख्त। मीजान मैं आपको ताने नहीं मार रहा। अच्छा बस ज्यादा बकवास ना कर मेरे आगे। अच्छा मीजान सॉरी। अरे वो तेरी पहली बीवी याद है राबिया, किस कदर तेज और मक्कार औरत थी वो, दर्जी की कैंची की तरह जबान चलती थी। उधर तो तेरी जबान नहीं चलती थी, हैं बकवास कर रहा है बैठा हुआ। ये होता है अपनी पसंद की शादियों का नतीजा। बेचार उसने मेरे साथ तो कभी बदतमीजी नहीं की थी, आप भी की उससे नहीं बनती थी। अच्छा अब ये भी कह दे कि अम्मा वो जो तलाक हुई वो भी तुम्हारी वजह से हुई, सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ, है ना। आए क्या नसीब पाए मैंने। अरे मेरे अल्लाह मियाँ बहुत ही बदनसीब औरत तुम। अरे अम्मी जान आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं गलत नहीं समझ रही। आए अरे कोई रह गई कमी तरबियत में, मेरी कमी रह गई। हट यहाँ से, उठ उठ यहाँ से, दफा चल चल निकल यहाँ से निकल। बड़ा आया बकवास करने तोता चिशम कहीं के, कमबख्त नहीं तो। आए क्या बुरी औलाद है भाई, अल्लाह माफ करे तोबा। अच्छा दो मिनट मेरी बात तो सुनो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? देखो मेरे बाबा की और मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। उनको लगता है कि मैं बहुत बुरा लड़का हूँ और मेरी जो कंपनी है जिनमें मैं उठता बैठता हूँ वो भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो मुझसे हर वक्त नाराज रहते हैं। ये सारी स्टोरीज तो मुझे क्यों सुना रहे हो? मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर तुमने ये कंप्लेन की और ये कंप्लेन मेरे घर तक पहुंची तो मेरी जिंदगी पे बुरा असर पड़ेगा, हो सकता है वो मुझे घर से निकाल दें। देखो अगर तुम्हारे साथ इतना कुछ हो सकता है तो तुम मेरे पीछे आना क्यों नहीं छोड़ते हो? और मेरा नंबर किसने दिया तुम्हें? वो छोड़ो ना, वो बस मिल गया मुझे। जितना पूछा है उतना जवाब दो। वो तुम्हारी दोस्त सना से लिया। सना ने दिया? तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं उसका कोई कसूर नहीं है, उससे तो मैंने झूठ बोला कि मैं तुम्हें जानता हूँ, वरना वो नहीं दे रही थी। ओह वेरी स्मार्ट। चलिए एडमिन ऑफिस प्लीज। हाँ हाँ फॉर श्योर चलो। सर मैं हया को लेकर आई हूं, कुछ कहना चाहती हैं आपसे। जी हया, क्या आप दोनों के दरमियान मामला रिजॉल्व हो गया? जी नहीं सर, बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं। और मैं चाहती हूं कि आप इन्हें सजा दें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को तंग ना कर सके। पर हया तुमने बाहर तो कुछ और कहा था। सर मैं जा सकती हूँ? जी बिल्कुल। थैंक यू हया। सॉरी सर। अब तुम्हारे घर से कॉन्टेक्ट किया जाएगा, जब तक तुम्हारे घर वालों से बात नहीं होगी ये कार्ड तुम्हें नहीं मिलेगा। और आज से एक हफ्ते के लिए तुम यूनिवर्सिटी से सस्पेंड हो। इस दौरान यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज मेरी बात सुने, मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा, मेरा सेकेंड लास्ट सेमेस्टर है। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सर प्लीज सर मेरे घर पे फोन मत कीजिएगा प्लीज। प्लीज जाएं आप यहाँ से प्लीज। अरे आप कब आए? अभी आया हूँ, ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स थी, थक गया तो जल्दी चला आया। ओ
हारिस को गाड़ी की चाबी दे दी थी? जी दे दी थी। पहले तो ले नहीं रहा था, फिर मैंने समझाया तो रख ली। माशाल्लाह, तो साहबजादे अकड़ दिखा रहे थे। अकड़ नहीं दिखा रहा था आरिफ, वो बच्चा नहीं है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ठेस लगती है। ये करना बहुत जरूरी था, उसे पता होना चाहिए कि वो इतना खुद मुख्तार नहीं है। हम हैं उसके सर पर, उसकी हरकतों पे नजर रखने वाले। आपकी इसी बात से चिढ़ता है वो, उसे लगता है कि आप उस पे भरोसा नहीं करते हैं। उसने कभी खुद को भरोसे के काबिल साबित किया? आरिफ, मुझे लगता है कभी कभी आपका रवैया भी उसके साथ बहुत नाइंसाफी वाला होता है। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप कभी तो उसके साथ नॉर्मल तरीके से बात करें। मैं भी तो करती हूँ ना, मेरे साथ तो वो बिल्कुल ठीक रहता है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बाज़ दफा जो काम हम नाराजगी और गुस्से से नहीं करवा पाते, वो हम प्यार और मोहब्बत से बेहद आसानी से करवा लेते हैं। अबे सलीम, अबे तेरी तो इजी लोड की दुकान है ना यार। यार तेरे पास तो रोज रोज नई नई बच्चों के नंबर आते होंगे, भी सेटिंग करा दे यार कहीं पे। तू ठीक कह रहा है यार, शादी की उम्र तो हो गई है मेरी, लेकिन ये जो मेरी अम्मी जान है ना, ये मुस्तकबिल करीब में मेरी शादी नहीं होने देंगी, इसलिए सोच रहा हूँ कोई टाइम पास कर लूँ यार। चल फिर ठीक है, कोई फिट सी बची हुई तो उसका नंबर देंगे मुझे, ठीक है? अच्छा जानी, मैं फिर तुझसे ना बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके मेरी जान, खुदा हाफिज़। ये किससे बेहूदा बातें कर रहा था तू? क्या बेहूदा बातें भाईजान, दोस्त है मेरा वो सलीम, इजी रोड वाला, नहीं उससे बात कर रहा था भाईजान। अच्छा, और उससे तू लड़कियों के नंबर ले रहा था? क्या हो गया भाईजान, हमारा भी दिल है। अब देखे ना, मेरे सारे दोस्तों की शादियां हो चुकी, बस मैं ही रह गया। इसका मतलब तू ये करेगा? अब मेरी भी तो शादी नहीं हुई, तो मैं क्या ये सब शुरू कर दूं? भाईजान एक शादी तो हो चुकी है आपकी, और अलग बात है कि आपसे संभाली नहीं गई। अब ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, तो आप भी मेरे जाती मामलात में मुदाखलत मत किया करें। भाईजान क्या आफत आ जाएगी अगर मैं किसी से फोन पे दो प्यार भरे लफ्ज बोल लूं, आपका क्या चला जाएगा? बाहर में जा यार, जो तू ना करना कर, लेकिन उस माँ का तो सोच, जो हमारी शादियों के लिए कितनी भागदौड़ कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है, और तू ये कर रहा है? अरे मेरे भोले भैया, मुझे लगता है कि अम्मी जी के मुंह को ना वो नाश्ते लग गए जो लड़की वालों के घर जाके करती हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है भाईजान, अम्मी जान की नियत ही नहीं कि हमारी शादियां और लड़कियां देखने का सिलसिला ना यूं ही चलता रहे। नहीं, माँ के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भाईजान जिस तरह छोटी छोटी बातों में लड़कियां रिजेक्ट कर रही हैं ना, आप मुझसे लिखवा ले, उनकी नियत ही नहीं। बात तो तेरी कुछ कुछ ठीक लग रही है यार। कुछ कुछ ठीक नहीं लग रही है भाईजान, बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है यार, लेकिन ये बात अम्मी के सामने मत करना, वो मैंने थोड़ा सा बोला था तो नाराज हो गई है, बोलनी थी कि दुश्मन तुम्हारी में। यानी कि अम्मी जान आपसे नाराज है? हाँ। अब अच्छा वैसे हैं किधर अभी? अपने कमरे में। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं यूं मना लूंगा। अच्छा यार जल्दी जा। फिक्र ना करें भाई, यूं गया यूं आया। शाबाश। भैया ये 100 रुपए का इजी लोड देना जरा। जी बाजी, नंबर बताएं। नंबर तो बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि बाजी किसे का है। और क्या कहूँ, मिस कह सकते हो, मैडम कह सकते हो, बहुत चीजें कहने के लिए। पता नहीं एक तो हमारे मुल्क में क्या मसला, हर किसी को बाजी बना लेता है। सॉरी मैडम। हाँ अब कितना अच्छा लगा ना, कितना डिसेंट लगा जब तुमने मुझे मैडम कहा। चलो ठीक है इजी लोड कर दो। चलो फिर नंबर बताए। हाँ अम्मी जान, आप जब मेरे और भाई के लिए लड़कियां तलाश करने के लिए दरबदर भटकती हैं ना, तो खुदा की कसम दिल बहुत जलता है मेरा। हाँ तो क्या करूं, अरे माँ हूँ, मेरा तो दिल धड़कता ही तुम कमबख्तों के लिए।
मैं तो चाहती हूँ कि कोई अच्छी सी लड़कियां ब्याह के आ जाए इस घर में और तुम लोगों की जिंदगी संवरे। अम्मी जान, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये काम आप हम पे छोड़ दें। क्यों कुंवारी काटती हैं? हम खुद ही ढूंढ लेंगे, देख लेंगे, पसंद कर लेंगे, आके बता देंगे आपको। चल चल, बढ़ाया अपनी पसंद से। अपनी पसंद की शादियों के अंजाम देखे हैं तुमने? हैं? अपनी पसंद से करेंगे शादी। अरे देख ले क्या हो रहा है दुनिया में अपनी पसंद की शादियों का, और फिर तुम लोगों की पसंद पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा अम्मी जान, एक और तरीका है। ये ना मोबाइल पे जो इंटरनेट है ना, इस पे हजारों रिश्ते होते हैं, एक से बढ़कर एक लड़की, आप देखे हैरान रह जाएंगी। ऐप है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। जानी एक नंबर भेज रहा हूँ, सेट कर सकता है तो कर ले। एक दोस्त का मैसेज है, वो सुन के मैं आपको बताता हूँ। जानी एक नंबर भेज रहा हूँ, सेट कर सकता है तो कर ले। हैं? कौन है ये, किसका नंबर है, क्या सेट करने को बोल रहा है? मोबाइल मीजान, मोबाइल सेट करने का बोल रहा है। वो सलीम नहीं अपना, ये इजी रोड वाला, वो था। तूने कब से मोबाइल सेट करने शुरू कर दिए? जान गुजारा करने के लिए कुछ तो करना। खैर छोड़े आप, मुझे बताएं भाईजान से नाराज हैं क्या? हाँ, अरे कमबख्त ऐसी बातें करता है, जी जल के रह जाता है मेरा। बस अम्मी जान, यही तो जहालत है उनकी। कितना समझाता हूँ उन्हें, माँ आप हमारी, क्या कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए। आपके पैरों तले सिर्फ चप्पलें नहीं है बल्कि जन्नत भी है, समझते नहीं अम्मी। अच्छा दफा कर इन बातों को, वो तू बताना क्या इंटरनेट का सिस्टम था, क्या था? वो अम्मी जान सिग्नल नहीं आ रहे, मैं बाहर जाके ना सिग्नल देख के आता हूँ, कोई लड़की पसंद आई तो उसी वक्त आपको लाके दिखाऊंगा। वो अभी कोई समझ नहीं आ रही ना, कोई समझ आती है तो बताता हूँ आपको। मैं आ गया, आया बस। तू क्या समझाएगा बेटा, समझाऊंगी तो मैं तुम लोगों को, कहाँ शादी करनी है, कब तुम लोगों की शादी करनी है ये मैं जानती हूँ। बड़ा आया ऐप दिखाने के लिए। आरिस, अस्सलाम वालेकुम बाबा। आरिस मुझे बहुत अफसोस हुआ बाबा। वो मतलब ये कि जब तुम्हारी मामा ने मुझे बताया कि तुम एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर जाने का इरादा रखते हो। ओ अच्छा वो, हाँ तो तुम क्या समझ रहे थे, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? बस बाबा वैसे ही। वैसे ही क्या, जो काम भी करो उसका एक जवाब होना चाहिए। बाहर जाना चाह रहे हो तो जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन उसका एक सॉलिड जवाब हो। जी। क्या जी जी कर रहे हो? बाबा मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं इस टॉपिक पर बाद में बात कर लें। चलो ठीक है, लेकिन रात को दोस्तों के पास मत चले जाना, कभी हमारे साथ बैठकर खाना खा लिया करो। क्या हो गया भाई, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो खड़े हुए? मम्मी आज बाबा को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है? इतने आराम से थोड़ी इन्होंने मुझसे कभी बात की है। कह रहे हैं कि डिनर साथ करना, कभी हमारे साथ भी खाना खा लिया करो। मामा मतलब ये कोई इनकलाब से कम नहीं कि बाबा मुझसे बगैर गुस्से में बात करें। समझाया था मैंने, लगता है मेरी बात समझ में आ गई है। मॉम अगर आपके समझाने का ये असर है ना, तो कम से कम हफ्ते में एक दो बार समझा दिया करें, कम से कम मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। तुम परेशान मत हो, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मॉम नहीं, सब ठीक नहीं होगा। क्यों, अब क्या हुआ है? वो यूनिवर्सिटी में एक मसला हो गया है। हारिस अब क्या करके आए हो तुम? मॉम मैंने कुछ नहीं किया, वो एक गलत फहमी थी जो बहुत बड़ी हो गई। आखिर हुआ क्या है, तुम बताओ तो सही। मॉम वो एक लड़की है कॉलेज में, वो
हारिस, हारिस ये तुमने क्या कर दिया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एक गलत फहमी थी, भला मैं लड़कियों को क्यों छेड़ूंगा? तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की से बार बार बात करने की? मॉम वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मैं तो उसकी हेल्प लेने के लिए बार बार उससे बात करने जा रहा था। कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे बाबा को समझाया था, अब अगर यूनिवर्सिटी से उनके पास कॉल आ गई तो फिर से उनका मूड खराब हो जाएगा, क्या करूंगी मैं? मॉम एक रास्ता है। अब कौन सा रास्ता है? अगर आप बाबा के फोन में यूनिवर्सिटी का नंबर ब्लॉक कर दें। नो, हर वक्त फोन अपने हाथ में रखते हैं वो ना बाबा, बहुत मुश्किल काम है। मॉम अगर आप मेरा साथ देंगी ना तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। देखती हूँ कुछ करती हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आज मैं कैसी लग रही हूँ? पता है स्कूल में सारी टीचर्स कह रही थी शहर बानो तुम तो कयामत ढा रही हो, लेकिन मुझे उनकी तारीफों की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारी तारीफें चाहिए मेरी जान। कौन है ये मेरी जान? क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों झांकती रहती हो हर वक्त? कौन हो तुम? क्या मतलब कौन हो तुम? बहन हूँ मैं, इसी घर में रहती हूँ, पड़ोस से नहीं आई हूँ। अच्छा ठीक है छोड़ो, काम बोलो। काम वाम छोड़ो, क्या छुपाया, अंदर छुपाया क्या है? कुछ नहीं है इसमें। अच्छा सुनो और खबरदार, तुमने अम्मा और बाजी के सामने कुछ कहा तो समझी? ठीक है मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, लेकिन अगर मुझे नहीं बताया ना तो बाजी अपने तरीके से पूछेंगी, और फिर तुम्हें तो पता है कि पुलिस वाले किस तरह पूछते हैं। देखो ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो फिर बता दो ना कि कैसा है, और ये कौन है जिसे तुम छुप छुप के बातें करती रहती हो? ये किसकी तस्वीर है? पहले भी मैंने तुम्हें पकड़ा है। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो बात ये है कि ना मैं इसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपी तुम तो छुपी रुस्तम निकली। देखो ना हया दिल का क्या है, ये तो किसी वक्त भी कहीं भी किसी भी आ सकता है ना। ये तुम्हारा ही दिल इतना फारिग है जो किसी पे भी आ जाए। है कौन और करता क्या है? देखो देखो अभी ना मैं तुम्हें तफसील नहीं बता सकती, समझा करो। देखो आप ही घर की इज्जत का सवाल है, और तुम तो वैसे ही बावली हो, कोई भी पागल बना के घर से भगा के ले जाएगा। पागल नहीं हूँ मैं हया। तुम्हें लगता है तुम पागल नहीं हो? अच्छा सुनो ना, वो ना मेरी सैलरी आने वाली है, हाँ फिर ना मैं तुम्हें मॉल लेके जाऊंगी, ब्रांडेड कपड़े दिलाऊंगी, लेकिन मेरी रानी मेरी गुड़िया अम्मा और दिलशाद बाजी को मत बताना। अच्छा ओह शुक्र। जी बट साहब मेरी कल आफ्टरनून में मीटिंग है उनके साथ, वहीं कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल हो जाएगा, उसके बाद मैं ऑफिस आऊंगा, वो देखिएगा ऑफिस में कोई काम पेंडिंग में ना हो। थैंक यू, खुदा हाफिज। आरिफ चले ना, खाना लग गया है। अच्छा चले, हारिस को बुलाएं। हाँ वो आ रहा है, आप भी आ जाइए। ओके ठीक है। अरे क्या हुआ? लगता है मेरे पैर में पहुंच आ गई। ओह माय गॉड, मुझे रूम तक ले चलिए प्लीज। ओके चलो आराम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अम्मा हाँ? मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या सोच रही है तू? ड्रामे का सत्यानाश कर दिया तूने, बोल क्या सोच रही है? अम्मा मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम शेरबानो आपा की शादी करा दें। क्या
दिमाग खराब हो गया तेरा? इसकी शादी कैसे करा दूं मैं अभी? क्या हो गया अम्मा, वो शौक है उसे शादी करने का, करा दे, क्या मसला है? अरे ये तो बावली हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका, अब इसके शौक के मुताबिक तो फैसले नहीं करूंगी मैं। मैंने तुमसे कब कहा शादी करूंगी? एक तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। भला नहीं करो तो मेरा, छोड़ दो मदर टेरेसा। बस करो, क्यों लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देते हो? चुप करके बैठो। दिलशाद बेटा, वो राशिद जनरल स्टोर वाले का फोन आया था। मगर किस लिए? पिछले महीने उधार लिया था ना, हो सकता है उसका हिसाब किताब करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ माँ, तो हम कौन से उसके पैसे लेके कहीं भाग जाएंगे? बेटा बात ये नहीं है, उधार तो उधार ही होता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो उधार देने से इनकार ही कर दे। इस बात से डर रही हैं आप अम्मा? तो क्या हुआ अगर इनकार कर दिया? किसी और से ले लेंगे, और वैसे भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें इनकार कर। तो फिर क्या करूं, बुला लूं उसे मिलने के लिए? हाँ माँ, उसको घर पे ही बुला लेना, बल्कि पिछला जितना भी खाता है ना सारा क्लियर कर लेना, पैसे मुझसे ले लेना, ठीक है? हाँ तो चलो ठीक है, फिर मैं बात करूंगी। तूने क्यों चेंज कर दिया इसको, अच्छा खासा ड्रामा आ रहा था। कौन था शेरमा? कुरियर वाला। जाओ तुम। What?